Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसन 7 न्यूज़। मैं अजीत सिंह। जैसे आपको बता दें कि जो सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत कस्बों में, देहात में जो राशन कार्ड धारकों को वितरण किया जा रहा है, तो उसके चलते जो जिलाधिकारी के महोदय के जो आदेश आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कार्ड धारकों के चेहरे पर मास्क लगा हो, उनके हाथ सैनिटाइजर कराने के बाद ही मशीन पर उनके अंगूठे ले जाएँ, और किस तरह से उनको पूरा राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो हम सीधा आज आपको दिखा रहे हैं। और हम पहुँचे हैं टीकरी कस्बे में, तो आप मेरे साथ आइए और मैं आपको दिखा देता हूं कि हम जो पहुंचे हैं राशन डीलर मनोरमा गौतम के यहां पर पहुंचे हैं, और यहां पर जो है चार डीलर हैं, एक सुधीर हैं, रश्मि देवी राशन डीलर हैं, और दूसरी आपकी राजेंद्र हैं, एक सुशील कुमार, और चौथे हैं हमारे साथ यहां पर मनोरमा गौतम। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर अपने चेहरे पे चादर बांध रखी है, और यहाँ पर एक मीटर की दूरी भी इनके बीच यहाँ पर बनी हुई है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। अब हम जो राशन डीलर, जो कार्ड धारक है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनको राशन यहाँ पर पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जी, क्या नाम है आपका? शाहिद बेग। यहाँ पर कितने महीने में कितने बार मिलता राशन आपको? दो बार। अच्छा, एक बार फ्री मिलता है? जी सर। एक बार पैसों वाला? जी सर। पूरा राशन मिलता है? जी सर। डीलर संतुष्ट है? जी सर। जी, और आप दूसरे जान लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? इधर ही इसलिए। जी, आप बताइए किस तरह से राशन आपको मिल रहा है? राशन बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, बहुत ही शांतिपूर्वक काम होता है, और हमारे जो अगर आप बिना मास्क के आते हो तो क्या राशन आपको मिलता है, नहीं मिलता? नहीं, बगैर मास्क के राशन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल। जी, आइए डीलर साहब से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार भाई साहब। ये दुकान मेरी माई मनोरमा गौतम के नाम से है, और इसका संचालन मैं करता हूँ। यहाँ पे जो डीएम साहब के और सरकार के, जो उत्तर प्रदेश सरकार के, केंद्रीय सरकार का जो कोविड-19 का जो नियम है, 1 मीटर की दूरी बना के रखना, मास्क लगा कर आना, और अपना सही समय से ग्राहकों को पूर्ण राशन देना, एक बार फ्री में और एक बार पैसे में। हमारे ग्राहक यहाँ पर है, आप उनसे बातचीत कर सकते हो। तो सर, लोगों ने बोला कि पूरा राशन यहाँ पर मिल दिया जा रहा है, तो इसके अलावा सर जो बिना मास्क के आते हैं, क्या उनको राशन देते हैं? पूछा, राशन नहीं देते, भगा देते हैं सर। और जो सैनिटाइजर आपके यहाँ रखे हुए? हाँ जी। उनके हाथ सैनिटाइजर करने के बाद मशीन पे लेते हैं? हाँ जी। तो किस तरह की लापरवाही है, धांधलेबाजी तो नहीं बढ़ती है यहाँ पर? कोई लापरवाही, कोई धांधलेबाजी आज तक इस कस्बे में किसी भी डीलर की कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं है सर। पूरे सही तरीके से कार्य करते हैं, कभी भी चेयरमैन साहब भी हमारे आकर कभी कभी बैठते हैं हमारे पास में, और लोगों की जो समस्या होती है, जिन लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं, उनके कार्ड बनवाने में चेयरमैन साहब भी बड़ा योगदान करते हैं, और किसी तरह की गांव के लोगों को परेशानी नहीं होने देते। तो यहाँ पर आपने देखा जो डीलर है, उनका बयान आ चुका है। हमने जो कार्ड धारक हैं उनसे भी जाना, उनसे भी पूछा, तो यहाँ पर सभी जो है कार्ड धारक संतुष्ट हैं, उनको पूरा राशन मिल रहा है। और जो सरकार के नियम हैं लॉकडाउन के, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है, उसके चलते यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी लगातार बनी हुई है, और चेहरे पर सभी के मास्क और चादर बंधी हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर, जो गांव है वहाँ पे मौजूद हैं, और आपको बता दें जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, ये जयपाल राशन डीलर हैं, उनके नाम पर यह एजेंसी है। तो उनके बेटे हैं यहाँ पर डीलर साहब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है, किसी ने मास्क लगा रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्ड धारक हैं उनके चेहरे पर यहाँ पर चादर बंधी हुई है, किसी ने अपनी चुन्नी बांध रखी है, किसी ने अपनी चादर बांध रखी है। तो यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है, जो हमारे जिलाधिकारी, हमारे DM सर के आदेश हैं कि 1-2 मीटर की दूरी पर ही राशन खड़ा होकर उनको दिया जाए, किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज हमारे देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से उनको राशन यहाँ मिल रहा है। क्या नाम है जी आपका? नरेश। हो, यहाँ राशन कैसा मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा। पूरा मिल रहा है? हाँ जी। एक बार फ्री में मिल रहा है, एक बार पैसे में? हाँ जी। हाँ, आप बताइए क्या नाम है? हाँ, सही मिल रहा जी, एक बार। हाँ, एक बार फ्री, एक बार पैसे में। आप बताइए क्या नाम है जी आपका? सही मिल रहा जी, एक बार फ्री, एक बार वैसा, सही मिल रहे जी। आप बताइए जी। मेघा।
जी कैसा राशन मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, एक बार पैसों में दे रहे हैं, एक बार फ्री दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप दूर दूरी पे खड़े हो रहे? हाँ, दूरी दूरी पर। आप बताइए भाई साहब। कपिल नाम है जी। कैसा राशन मिल रहा है? ठीक मिल रहा है राशन। तो जब भी आपके नाम मास्क आते हो राशन देते हैं, मना कर देते हैं? नहीं, मना कर दे, मना कर देते। तो यहाँ लोगों ने बोला कि बिना मास्क के अगर वो आते हैं तो यहाँ राशन डीलर जो है वो उनको मना कर देते हैं। वो कहते हैं पहले मास्क लगाओ, फिर हाथ सैनिटाइजर करो, उसके बाद ही मशीन पर वो उनका अंगूठा लेते हैं। आइए हम डीलर साहब से जान लेते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, पीछे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो है जो राशन देते हैं तोलकर, वो यहाँ पर पूरा राशन धरा रखा हुआ है, पूरी सही तरीके से साफ सफाई है। और एक ही बंदा है केवल, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए यहाँ पर लगातार जो है पालन हो रहा है। आइए हम डीलर से जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है सर? मनीष जी। मनीष जी ये बताइए कितने कार्ड धारक आपके? मेरे यहाँ जी 780। तो जो कार्ड धारक सभी मास्क लगाते हैं? हाँ जी, सब मास्क लगाते हैं। और जो डीएम सर का आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरी तरह पालन हो रहा है? हाँ जी। पूरा राशन दिया जा रहा है, कोई धांधलेबाजी, कोई लापरवाही? नहीं जी। कोई ऐसा तो नहीं कोई बिना सैनिटाइज किए हाथ अंगूठा लगा देता हूँ? नहीं जी, नहीं जी, पूरा नियम बरते जा रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर आपने देखा जो डीलर का भी यही बयान है, किसी तरह की लापरवाही आपको यहाँ पर एजेंसी पर देखने को नहीं मिलेगी। और हमने आपको दिखाया, लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ खड़े हुए हैं, पूरी तरह से डीएम सर के आदेश का यहाँ पर पालन हो रहा है और कार्ड धारकों को पूरा राशन यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। मैं कैमरामैन दीपक के साथ अजीत सिंह, आई एस एन 7 न्यूज़।